आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ससुराल गेंदा फूल ये लो, चलो हो जाओ शुरू। जो जीतेगा ना वो जिंदगी भर राज करेगा। अब शुरू हो जाओ। जो जीता वही सिकंदर। हाँ बेटे, हम मर्दों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, बचा लियो। ओ इंदर जी, जीतने तो सुहाना ही वाली है। अच्छा, अरे भाभी शर्त लगा लो आप। ए, हेलो हेलो, शर्त तो तू लगा रहा है लेकिन पैसे कौन देगा? तू। अरे आलो, तू यहाँ क्या कर रहा है? हैं, खेलने देना बेटे और बहू को। माँ मैं तो यहाँ वही कर रहा हूँ जो आप यहाँ कर रहे हो। चल अंदर, निगोड़ा कहीं का। सुहाना, हम सब की इज्जत तुम्हारे हाथ में। ओके चल। देख भाई ईशान, वैसे तो तुझ पे भरोसा है नहीं, बट फिर भी हमारा सपोर्ट तेरे साथ है। मेरा भी, मेरा भी। शुरू करो, शुरू करो। सुहाना भाभी कम ऑन, चलो चलो भैया। देखो देखो, हाथ पकड़ रहा है। ओ भाई, हाथ नहीं अंगूठी पकड़नी है। चलो 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 चलो, जल्दी करना। ईशान सुहाना, ईशान सुहाना, ईशान सुहाना, ईशान सुहाना। जल्दी 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 जल्दी। अरे सुहाना शर्मा नहीं, सुहाना कश्यप हो गई। हो गया भैया आपका। देखो सुहाना, तुम फिकर मत करना, मैं तुम्हें ऐसा ट्रेन करूंगा ना कि बहुत जल्द चैंपियन हो जाओगी। इलेश प्लीज, तुम इसे कोई ट्रेनिंग नहीं दोगे। और नहीं तो क्या, बहू ने आज तो अंगूठी निकाली नहीं,
तो ईशान को कैसे करेगी अपने कब्जे में? ईशान को कब्जे में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी सुहाना ईशान को इतना प्यार देगी कि ईशान हमेशा उसके ही पास रहेगा। और नहीं तो क्या, अरे तुम्हारे बाबूजी ने भी तो निकाली थी अंगूठी। पर सारी जिंदगी मजाल है जो चाबी दिए बिना चल ली हो। चलो चलो, हो गई रस्म? हाँ पूरी हो गई। सुहाना बहुत थक गई होगी। राधा जाओ सुहाना को उसके कमरे में लेके जाओ। हाँ, कल से सोई भी नहीं है बेचारी। हम तो परसों से जगे हुए हैं। ये दूल्हा थोड़ी ना हो तुम। अरे तो क्या चाबी वाले घर में कोई सोता है? मामी जी ने क्या कहा? सुहाना को आराम की जरूरत है, बैठो चुपचाप। लड़की हो रही, व्हाट्स मैटर, क्या प्रॉब्लम, क्या हुआ? डैड, ये डॉल मुझे मोहित अंकल ने दी थी ना। देखो बेटे, मोहित अंकल ने दो दो डॉल्स दिए हैं, तुम इसके साथ खेलो, ऐसे ऐसे दे दो। नहीं, इससे मैं खेलूंगी। देखो बेटे, तुमसे छोटी है, दे दो ना इसको ये डॉल। तुम नहीं, ये मुझे चाहिए। देखो ये ना, ये बेबी डॉल है, ये बाबा डॉल है। बेबी डॉल जब बड़ी होती है, शादी करके चली जाती है, बाबा डॉल हमेशा रहता है साथ में। तो क्या मैं भी चली जाऊंगी? नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा बेटी। प्रॉमिस, आप मुझे नहीं जाने दोगे? तक सोई नहीं बेटे, सारी रात जागी हो। आप भी तो नहीं सोई ना डैड? जमाने से सुनता आया हूं कि बेटी की शादी करके मां बाप चैन की नींद सोते हैं। शायद अब चैन की नींद आए। जब वो बहुत छोटी थी ना बेटे, तब मैंने उसे एक प्रॉमिस दिया था कि मैं उसे जिंदगी भर नहीं जाने दूंगा। पर आज मैंने अपनी सुहाना के साथ बेईमानी की बेटे। मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। उन्होंने पूछा था ना तुमसे, उसके बाद ही ये शादी तय हुई है। मैंने हाँ की थी, लेकिन इस लड़के को देख, इस लड़के के लिए हाँ नहीं की। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई?
नहीं रहे, सिर्फ आप ही दीदी को मिस कर सकते हैं। इतनी शादी से खुश नहीं है, ओह गॉड, अब क्या होगा? भाभी आपका कमरा मैंने, रजनी भाभी, दिशा भाभी, हम सब ने मिलके सजाया है। ओह वैशिका, ये सब बातें तुम बाद में बताना, अभी सुहाना थक गई, उसे आराम करने दो। राधा बुआ थोड़ी देर बैठने दो ना भाभी के पास, मैं उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, पक्का। मैंने कहा ना बाद में, बस तो चल अभी चल, मेरे साथ चल, तुम आराम करो, चल। एसी का? एसी? एसी तो नहीं है हमारे घर में। एसी नहीं है। ठीक है, तुम आराम करो, किसी चीज की जरूरत होगी तो बुला लेना। हाँ ऐसी नहीं, आप फंस गए, फेर लिया। अपने डैड के डिसीजन के साथ वो आगे बढ़ना चाहती है, और मैं तुम्हें बता दूं कि इस बात को लेकर तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि लड़का तो अच्छा है ही है, लेकिन साथ ही उसका जो परिवार है ना, वो बहुत ही अच्छा है। माँ चलो भाभी के पास बैठते हैं। माँ देखो भाभी अकेली कितना बोर हो रही है, और राधा हुआ बस फालतू में ही भगा दिया मुझे। माँ भाभी कितनी सुंदर है ना, ईशान भाई बहुत लकी है। माँ अब आप रोना शुरू मत कर देना प्लीज, चुप कर। वो क्या है ना, भाई को लेकर माँ बहुत इमोशनल हो जाती हैं। तो चुप करना ईशी। क्या है ना सुहाना, साथ मैंने कहा था ईशान जब बुरी तरह से बीमार पड़ गया था, हकीम को दिखाया, वैद्य को दिखाया, कितने डॉक्टरों को दिखाया, बहुत मुश्किल से इलाज हुआ उसका, बस तब से ना मेरा दिल धड़कता है उसके लिए। लेकिन तुम उसे कम मत समझना, अपने इलेश और इंदर की तरह वो भी बहुत शरारती है। माँ भाभी से कम पूछ तो लो, उन्हें आपकी बातें सुनने में इंटरेस्ट है भी या नहीं। अरे भला इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा ईशान की बातें सुनने में, ऐसी कौन सी औरत होती है जिसे अपनी पति की बड़ाई सुनने में इंटरेस्ट ना हो। जब 12 साल का था ना तो वहां छज्जे पर चढ़ गया था पतंग लूटने के लिए और आलोक ने, अरे तुम्हारे ससुर जी, उन्होंने इतनी धुनाई की कि पूछो मत बस। अब नींद आ रही है तुम्हें? वो बालकनी है हमारी, गली में खुलती है, लेकिन वहां जाके खड़े मत होना, वो सामने वाली मनोरमा चाची देख लेंगी ना, तो बस देखते ही सवाल पूछने लगती हैं। वॉशरूम? हाँ? माँ भाभी बाथरूम के लिए पूछ रही हैं। अच्छा बाथरूम? हाँ बाथरूम है ना यहाँ पर, नीचे है। नीचे? हाँ बस कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ी से उतरकर आंगन को क्रॉस करके वहाँ है बाथरूम, जहाँ तुमने वो अंगूठी वाली रस्म खेली थी ना, बस उसके पास ही है। ईशी चल जा, जाके हैंडपंप से बाल्टी में पानी भर दे, नल जाने का टाइम हो गया है। और हाँ नई साबुन की बट्टी भी खोल देना,
और मेरी अलमारी में ना दुबई से एक शैम्पू आया है, वो भी वहाँ रख देना। दुबई से? मुझे तो बताया ही नहीं। अच्छा, तुझे बताती ना तो सारा का सारा खत्म कर देती चुटकी में। चल जा। मैंने अपनी सुहाना के लिए लाई थी। अब चले बाथरूम। चलो आ जाओ। अरे घबराओ मत, चलो तुम्हारा ही घर है। आराम से। हाँ अब बस आ ही गया गुसल खाना। बाथरूम आ ही गया। चलो चलो चलो। अरे ईशी आप चलो ना सुहाना, चलो ईशी पानी वाली तैयार है ना। माँ आप देखो ना इलेश भैया चले गए अंदर। हे भगवान, ये लड़का बिना इलेश। अरे निकल, धक्का मत मारना, कुंडी टूट गई है इसीलिए तो गाने गा रहा हूँ। हे भगवान, जल्दी निकल तू। इलेश भैया जल्दी बाहर आओ, सुहाना भाभी खड़ी है। अरे क्या हुआ छोटी? अरे देखो ना इलेश को अंदर बैठा हुआ है तब से। अरे इलेश, अरे ये कुथड़ा बिना बिल्कुल अपने नाना की तरह है, या तो खाता रहेगा या तो गुसल खाने में घुसा रहेगा। अरे जल्दी आ, दुल्हन खड़ी है। आई वांट गो बैक टू माय रूम। मतलब? मैं अपने कमरे में वापस जाना चाहती हूँ। अरे क्या? इलेश लेकिन आ गया भी आ गया, सॉरी। मैं पानी मार के आता हूँ। नो इट्स ऑल राइट, मैं अपने कमरे में वापस जाना चाहती हूँ। अरे देख छोटी देख, अरे अरे कहीं ये बेहोश ना हो जाए फिर से। बुढ़िया तुम दूल्हे से कमरे में ले जाओ भैया। चलो चलो आराम कर लो सुहाना। बेहोश मत। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।